हेलो फ्रेंड्स, मेरा डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा आठवां पाठ है। आपके जो मॉडल क्वेश्चन यहां पे मैं क्वेश्चन करा रहा थे, हमारा आठवां पाठ है। बाकी जो सात पाठ है वो डल चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हो कर रहे होंगे, चाहे स्टेट का हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, जो आपके सभी एग्ज़ाम बैक टू बैक बहुत सारे आपके PSC का और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये हमारा आठवां पाठ है, याद रखिएगा। बाकी सात पाठ मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया क्वेश्चन है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन तक हम पहुँचे थे सातवें पार्ट में, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला जो कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, तो आपका थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजन, आपका डोपामाइन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन, जो हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर हृदय की जो धड़कन को उत्तेजित करता है, वो आपका कौन सा हार्मोन है, आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, जो इस हार्मोन की वजह से हृदय की धड़कन को उत्तेजित किया जाता है। तो इसका थायरॉक्सिन हार्मोन याद रखिएगा, जो धड़कन को उत्तेजित करता है ये हार्मोन, क्योंकि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर को किसे परिवर्तित करने की युक्ति है, ट्रांसफार्मर को किसमें परिवर्तित करने की एक युक्ति है, तो आपके DC को AC में परिवर्तन किया जाता है, या B है कम वोल्टेज से DC को उच्च वोल्टेज DC में परिवर्तित किया जाता है, या आपका C है कम वोल्टेज से AC को उच्च वोल्टेज में AC में जो कि परिवर्तित करता है, या D है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो कि परिवर्तन करता है। तो इसको ट्रांसफार्मर को किसके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है, या कौन सी युक्ति है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कम वोल्टेज AC को आपके उच्च वोल्टेज AC में इसके माध्यम से ट्रांसफार्मर के माध्यम से परिवर्तित करने की युक्ति है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। कम वोल्टेज AC से आपके उच्च वोल्टेज AC में इसके माध्यम से ट्रांसफार्मर के वजह से इसमें परिवर्तन करने की युक्ति है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर टग या कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन या स्टोरेज, यहाँ तक कि एप्लीकेशन के को भी पूरे नेटवर्क के सर्वर के रूप में प्रयोग करता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, या पैरेलल कंप्यूटिंग, या डी है वर्चुअल कंप्यूटिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लाउड जो कंप्यूटिंग, इसके माध्यम कंप्यूटर का जो ऐसा प्रकार है जिसमें कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन में पूरे नेटवर्क में सर्वर का एक माध्यम या रूप है आपका क्लाउड कंप्यूटर। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है मेन रूप से जो क्लाउड कंप्यूटिंग, इसे जो कि संगणना वास्तव में इंटरनेट आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर पर एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग एक उदाहरण है, जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउजर को इस्तेमाल कर इसको अन्य जो कि सर्वर के माध्यम से ब्राउजर तक पहुंचाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग याद रखिए, इसमें आपके कंप्यूटर, स्टोरेज, एप्लीकेशन और पूरे नेटवर्क को सर्वर के के रूप में इसको प्रयोग करता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, तो हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न कर देती है, या बी है रक्त का प्रवाह जो कि कई गुणा बढ़ जाता है, या सी है रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है, या डी है रक्तदाब कई गुणा बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है आपके, तो रक्त प्रवाह में जो हवा के बुलबुले होना जीवन के लिए बहुत घातक है, जो हमारे जो बुलबुले का जो जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, तो इसके जो रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है इसके माध्यम से। तो रक्त प्रवाह में हवा के जो बुलबुले का होना जो कि बहुत ही खतरनाक होता है जीवन के लिए, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ के रक्त के प्रवाह में जो कि चल रहे रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है हवा के बुलबुले का, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पारिस्थितिक विज्ञान, निर्जाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान, या डी है आपका प्रतिभा शास्त्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पारिस्थितिक विज्ञान। तो आसपास के वातावरण में पशुओं, जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसके संबंध जो आपके इस जो विज्ञान के अध्ययन को हम आपके पारिस्थितिक विज्ञान के नाम से इसको जाना जाता है, जिसे आसपास के हमारे वातावरण में पशु, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी हम देखते हैं उसके अध्ययन को हम आपके पारिस्थितिक तंत्र के विज्ञान के नाम से इनको जाना जाता है, जिसका ए ऑप्शन याद रखिएगा पारिस्थितिक विज्ञान।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन रियो ओलंपिक्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम का सदस्य नहीं था? तो शिवा थापा, मनोज कुमार, विकास कृष्ण, अवतार सिंह। तो इसका डी ऑप्शन सही है, जो आपका जो अवतार सिंह है, यह जो खिलाड़ी है आपके रियो ओलंपिक्स में जो कि भारतीय बॉक्सिंग टीम के सदस्य नहीं है। बाकी शिव थापा, मनोज कुमार और जो विकास कृष्ण जी हैं, ये जो तीनों प्लेयर आपके रियो ओलंपिक्स में भारतीय टीम में जो कि बॉक्सिंग टीम के सदस्य हैं। बाकी आपका जो अवतार है ये आपके भारतीय बॉक्सिंग टीम के सदस्य नहीं, बाकी ए बी और सी आपके रियो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सिंग टीम के सदस्य हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020-21 के बजट के अनुसार भारत सरकार के लिए पूंजी का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? तो आयकर, निगम कर, गैर कर राजस्व, ऋण एवं अन्य दायित्व। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऋण और अन्य जो दायित्व है, यह आपके पूंजी का जो कि सबसे बड़ा साधन है सरकार, भारत सरकार का 2020-21 डाटा के अनुसार, बजट के अनुसार यहाँ पर भारत सरकार की जो पूंजी का जो सबसे बड़ा आय है या मेन साधन है आपका ऋण और अन्य जो दायित्व है आपके पूंजी का सबसे बड़ा साधन है भारत सरकार का 2020-21 के बजट के अनुसार। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, माल्थ्यूजियन की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान है? तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है तथा खाद्य आपूर्ति जो गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो जो माल्थ्यूजियन के जनसंख्या के सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया गया है कि जनसंख्या जो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। तो जो माल्थ्यूजियन के जनसंख्या सिद्धांत इस पर आधारित होती है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? यह भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के सतह पर, या सी है पृथ्वी के केंद्र पर, या डी है पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन याद रखिए। तो किसी वस्तु का जो अधिकतम भार है, जो सबसे ज़्यादा भार किस स्थिति में होगा, तो यहाँ पृथ्वी के ध्रुवों पर है। इस स्थिति में जो किसी वस्तु का अधिकतम भार यहाँ पे जो कि स्थिति में होगा, तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम भार इस स्थिति में प्राप्त होगा। तो किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं, तो पृथ्वी के ध्रुव पर हम जो कि अधिकतम भार प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो प्रकाश संश्लेषण कौन से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टीनोप्लास्ट या आपका नेमेटोब्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। याद रखिए, तो प्रकाश संश्लेषण में जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं इसको, यह एक प्रकार का कोशिकांग है जो आपके सुकेंद्री पादप कोशिकाओं में, एक शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। शैवाल की तरह जो कि इसको दिखता है, अगर 10वीं 12वीं के आपके साइंस के बुक देखे होंगे तो इसमें देखते हैं एक तरह का शैवाल है पादप कोशिकाओं में, जो कि शैवाली कोशिकाओं में पाया जाता है। ये हरित जो कि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इसके माध्यम से परिवर्तित करते हैं। इनका रंग जो कि हरे रंग में जो कि देखते होंगे हरे रंग में रहता है, वह पढ़हरित रसायन के होने के कारण जो कि प्रकाश संश्लेषण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकाश संश्लेषण में। तो याद रखिएगा, तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया है? तो आपके गेहूं के क्षेत्र में, या गेहूं की फसल में, चावल के फसल में, या दाल के क्षेत्र में, या आपके तिलहन के फसल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 91 का आपके गेहूँ। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? तो गेहूं के क्षेत्र में, गेहूं के फसल में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है। तो जो नारनम जो हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो हरित क्रांति के जो जनक है नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनको जनक कहते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के लाने का भी श्रेय इनको जो श्री सुब्रमण्यम को जाता है। तो याद रखें, क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। जनक पूछा जाएगा तो हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग, और हरित क्रांति को लाने का श्रेय जो कि श्री सुब्रमण्यम जी को जाता है। और एम एस स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम जी को काम इन्होंने किया था। तो याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है पूछा जाएगा। तो नॉर्मन बोरलॉग लेना है, और आपके हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आपके जिस श्री सुब्रमण्यम जी को प्राप्त है, यह भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर क्या है?
वह दर जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक के देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, या वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, या आपके वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देते हैं, या डी है वह दर जिस बैंक पर महाजनों को ऋण देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, बैंक दर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। तो वह दर जिस पर किसी देश को केंद्रीय बैंक द्वारा देश में अन्य बैंकों को ऋण देता है, आपके बैंक दर में आता है। तो बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए देखा जाए तो यहाँ प्राय ऐसी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है जिनके जो कि एक म्याद एक दिन से ज़्यादा भी नहीं होती। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य केंद्रीय बैंक जो कि बैंक रात भर के लिए कर्ज लेना, या इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें ब्याज देना पड़ता है, उसी को रेपो दर के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा कि इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हीं ब्याज को देना पड़ता है जो आपके रेपो दर के अंतर्गत आता है। तो वह दर जिस किसी देश के केंद्रीय बैंक या देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, आपके बैंक दर या रेपो दर इसको कहा जाता है। तो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो आपके प्रतिगामी कर, प्रगामी कर, समान दर कर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगामी कर। ये जो कर है आपके कर प्रणाली में भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में बहुत ही सहायक होती है आपका प्रगामी कर। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, भारत के में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी आपकी प्रगामी कर। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या संसद के द्वारा, या डी है लोकसभा के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के द्वारा हटा सकते हैं। इनके माध्यम से राष्ट्रपति की नियुक्ति किया जाता है, और आर्टिकल 52 में इनके राष्ट्रपति के पद और प्रावधान के आपके आर्टिकल 52 में बताया इनके पूरा राष्ट्रपति पद का प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल 52 में, याद रखिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद द्वारा उसको हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 52 में इस भारत के राष्ट्रपति में बताया गया है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है कमेंट करके बताइएगा, नया निर्वाचन किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े या नीचे किनार बंदी को क्या कहते हैं। तो डेल्टा, तटबंध, बाढ़ क्षेत्र, या टीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तटबंध, याद रखें। तो बाढ़ के दौरान नदी चैनल के जो किनारों के साथ साथ बड़े चौड़े या नीचे किनारे जो बंदी को, यहाँ पे हम तटबंध के नाम से इनको, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, तटबंध कहा जाता है जो बाढ़ के दौरान नदी या चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े या किसी किनारे बंदी को हम तटबंध के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग को तंतु पैदा करता है। तो लार्वा के माध्यम से, अंडा, प्यूपा, या डी है पूर्ण कीट। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूपा के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं आपके रेशम कीट। याद रखिएगा, प्यूपा जो कि वाणिज्यिक प्रयोग में तंतु पैदा करता है प्यूपा के माध्यम से, जो आपके जीवन चक्र में इनके माध्यम से वाणिज्य प्रयोग में बहुत ही हेल्पफुल होता है प्यूपा, जो तंतु पैदा करता है इनके माध्यम से, प्यूपा के माध्यम से रेशम कीट। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है। तो मूल आवृत्ति पर, तरंग प्रवर्धन पर, सी है आपके मौजूदा हारमोनिक संवाद पर, या डी है माध्यम में ध्वनि का वेग पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मौजूदा हारमोनिक स्नांत पर। संगीत में सुर की कोटि इस पर निर्भर होती है, तो मौजूदा हारमोनिक स्नांत कहते हैं। तो संगीत में सुर की कोटि इस पर निर्भर होती है मौजूदा हारमोनिक पर। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। तो पृथ्वी का वायुमंडल प्रभाव के कारण, या बी है पृथ्वी पर शुक्र या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, या सी है पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, या डी है आपका पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समुद्र में जो अधिकांशतः जो ज्वार भाटा आता है, आंधी तूफान वगैरह, तो आपके किस कारण आता है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण यहाँ पे
अधिकांशतः समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसे तो चंद्रमा सूर्य की जो आकर्षण शक्तियों के कारण यहाँ पे सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा हम कहते हैं, जो कि सागरीय सागर में जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को हम ज्वार या टाइड कहते हैं इंग्लिश में। ये सागरीय जल को नीचे गिर कर पीछे लौटने को हम भाटा कहते हैं। याद रखिए, जब चंद्रमा एवं सूर्य के जो आकर्षण शक्तियों के कारण यहाँ पे सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को हम आम भाषा में ज्वार भाटा कहते हैं। याद रखिएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, तो क्वेश्चन को आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।